हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ओवैसी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। काला पानी का जिक्र करते हुए ओवैसी ने पीएम मोदी को दे डाली बड़ी नसीहत। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका को लेकर ओवैसी ने कही बड़ी बात। गोडसे को लेकर भी ओवैसी ने कसा तंज। क्या देश भूल रहा है मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को? एक ओर जहां देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, तो वहीं खुद को भारतीय मुसलमानों का मसीहा कहने वाले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत की आजादी में योगदान देने वाले भारतीय मुसलमानों को भी याद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गोडसे को लेकर भी करारा तंज कसा और कहा कि आजादी के लिए जमीन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तैयार की थी, ना कि गोडसे ने। इसके साथ ही ओवैसी ने एक के बाद एक कई मुस्लिम सेनानियों के नाम भी गिनाए और कहा कि आज लोग इन लोगों को भूल चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि काला पानी का पहला कैदी हैदराबादी फैजल ए हक खैराबादी था। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों से नफरत करने वालों से पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि माल्टा कहाँ है? शेख उल हिंद महमूद उल हसन को मक्का से गिरफ्तार किया गया था। 3 साल उन्हें माल्टा जेल में रखा गया था। इसके साथ ही ओवैसी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, झांसी की रानी को तो याद किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं खुदा बख्श उनकी सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। एक महिला जो हमेशा झांसी की रानी के साथ थी और कोटा के युद्ध के दौरान शहीद हो गई थी, उसका नाम मंजर था। वो एक मुस्लिम थी। ओवैसी इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने तिरंगे को लेकर भी अपनी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग तिरंगे के बारे में बात करते हैं, क्या वो 6 दिसंबर को क्या हुआ और पिछले साल अगस्त में क्या हुआ इस बारे में बात करेंगे? विभाजन के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ओवैसी ने कहा कि भटकनिया अंसारी कौन थे? वो महात्मा गांधी के लिए खाना बनाते थे। अंग्रेजों ने उन्हें महात्मा गांधी के भोजन में जहर देने के लिए कहा, लेकिन वो दौड़ता हुआ आया और गांधी से कहा कि वो खाना ना खाएं। लेकिन आप देखिए, महात्मा गांधी को गोली मारने वाले कौन लोग थे? उन्होंने आगे कहा कि भारत की आजादी के लिए शहीद हुए पहले पत्रकार मोहम्मद मौलवी बकर थे, उनकी हत्या अंग्रेजों ने की थी। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया। ओवैसी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री को बताने वाले लोगों ने आरएसएस को हमारी नींव बताया है। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या ये सही नहीं है कि 1950 में आरएसएस भारतीय संविधान के खिलाफ था? भारत में अगर किसी का सबसे ज्यादा अपमान होता है तो वो है मुसलमान। भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वो है मुसलमान। भारत में अगर किसी को सबसे ज्यादा उपेक्षित किया जाता है तो वो है मुसलमान। ओवैसी ने आगे गौरक्षकों की बात करते हुए कहा, गौरक्षकों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए जो उन्हें मिल रही है, जो दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त को पीएम राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वो उत्पीड़ितों के बारे में बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो अल्लामा फजल कैराबादी, हुसैन अहमदी मदनी, मौलाना काफी के बारे में बोलेंगे। पीएम चीन के बारे में नहीं बोलेंगे, जिसने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। गौर हो कि ओवैसी पहली बार इतने मुखर नहीं हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने भारतीय मुसलमानों को लेकर कई बार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।